మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बसहा गांव के नज़दीक सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव में आए हुए हैं. और सम्राट अशोक का शिलालेख जो है वो उस पहाड़ी पे है, और हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं. और यहां सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए हम बिहार सरकार और खासकर भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे सीढ़ी की व्यवस्था की जाए और भी सारी सुविधाएं दी जाए. हमारे साथ कई भाई लोग हैं, दीपक पटेल जी हैं, संजय जी हैं, काफ़ी लोग हैं. और ऊपर शिलालेख है, हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और नीचे में कार्यक्रम होता है और मेला भी लगता है. इस तरह से लोग चढ़ और उतर रहे हैं यहाँ से. यहाँ पर विश्व के महान सम्राट अशोक के द्वारा 256वीं रात गुजारी गई थी, जब वो सारनाथ के लिए निकले थे. इसी दौरान बोधगया से चलते हुए 256वीं रात कैमूर की पहाड़ी पर ऊपर शिलालेख है, हम अभी आपको दिखाएंगे. और ये सुंदर वादी, लेकिन आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. देखिए, महामानव कहाँ हो तुम, भटकता है जहाँ सारा, राग और द्वेष में पागल यहाँ इंसान बेचारा. नफरतें हो गई इतनी, नफरतें हो गई इतनी, बचा लो बुद्ध फिर आकर, बहा दो प्रेम की गंगा धरा पे फिर से दोबारा. महामानव कहाँ हो तुम, भटकता है जहाँ सारा, राग और द्वेष में पागल यहाँ इंसान बेचारा. नफरतें हो गई इतनी, नफरतें हो गई इतनी, बचा लो बुद्ध फिर आकर, बहा दो प्रेम की गंगा धरा पे फिर से दोबारा. फाइनली हम लोग सम्राट अशोक के शिलालेख के पास पहुंच गए. यहाँ पर सम्राट अशोक ने 256वीं रात गुजारा था, जब वो बोधगया से सारनाथ की तरफ जा रहे थे. और प्रत्येक साल 27 फरवरी को यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा सम्राट अशोक क्लब भी इसमें सहयोगी है. इस साल से सम्राट अशोक क्लब ने ठाना है कि इसको बड़े स्तर पर मनाना है. तो हमारे बीच हमारे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक महोदय और राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब हैं. और तो हम जानना चाहेंगे कि पहले हम राष्ट्रीय महाप्रबंधक महोदय से जानना चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारी थोड़ा सा आप दीजिए सर. यह जो शिलालेख है, आज से 2200 बरस पहले सम्राट अशोक के द्वारा खुदवाया गया था, लिखवाया गया था. और लिखित इतिहास प्रमाणित तौर पर जो है
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर किरण कुमार खपड़ियाल ने इसको 2009 में लिखित रूप से खोजा था। उससे पहले सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता या यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है करीब 15 साल पहले इसको जो है खोज चुके थे, लेकिन इसका कोई लिखित इतिहास नहीं था। अब जो है ये मिला है और हम सभी जो है सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर जो है कई बार आ चुके हैं और यहाँ पर एक नीचे जो है आप देख रहे हैं वहाँ कार्यक्रम होता है सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से। और हम लोगों का सोच यह है कि यह भारत का गौरवशाली इतिहास है जिसको सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के दौरान 256वीं रात, ये सामने जो बाएं साइड में गुफा, बड़ी सी गुफा है, इसमें अभी भी 300 लोगों के बैठने की जगह है, उसी गुफा में चट्टान पर सो करके रात बिताया था 256वीं रात। और उसी रात में जो है यहाँ ये जो सामने देख रहे हैं जो शिलालेख है, इसको उन्होंने धम्म संदेश के रूप में जनमानस के लिए धम्म संदेश दिया था, ताकि इसको पढ़ करके यहाँ जो जनता है उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो है। और इसके विषय में फिर हमारा जो है सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर सत्यानंद मौर्य जी विशेष रूप से और बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते थे कि आप पहली दफ़ा आए हैं या इसके पहले भी आ चुके हैं, और आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? आज से करीब, ठीक से डेट याद नहीं है, लेकिन 15 साल पहले जब यहाँ कोई इस क्षेत्र को जानता नहीं था, आज इतनी सुगमता से आप लोग आए हैं, शायद हम लोग इतनी सुगमता से नहीं आ पाए थे उस दिन जी। तो आप लोग इस सामने से आए हैं, हम लोग इस पहाड़ियों के पीछे से, एकदम सटीक जगह पता नहीं थी कि शिलालेख है कहाँ, तो कई पहाड़ियों को लांगते हुए खोजते हुए किसी तरह पहुंचे। अब लास्ट के पहले में एक टंकी टाइप का है, पूरा गड्ढा, अब उस गड्ढे में कौन जाएगा? तो कई लोग थे हम लोग, अब किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो हम थे और हमारे महाप्रबंधक सत्यनारायण मौर्य जी, दोनों लोगों ने पूरा ड्रेस निकाल दिए गंजी और चांगिया पे हो करके, और उसके अंदर घुसे, और घुस करके जब ये निकले तो ये जो अंदर गड्ढा है, यहाँ बड़ा सा पहाड़ निकाल के गुफा की तरफ दिख रहा है, वो गुफा के अंदर भी एक छोटी सी एकदम पतली सी वो है, हाँ, और वो इतना पतला रास्ता है कि आदमी अगर सीधा ऐसे, हम लोग ऐसे किहुनी के बल पर ऐसे चलते हुए आए थे सो करके, अच्छा। अगर कहीं सांप सामने निकल गया तो मुड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते थे, जब तक इस पार निकलेंगे नहीं तब तक मुड़ेंगे नहीं जी जी। उस समय हम लोग, मैं और सत्यनारायण मौर्य जी और एक कैमरा वाला मेरे पास था, ध्यान उसका ध्यान नहीं है, उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पे आए। तो पहली बार जब हम लोग आए तो ये जो शिलालेख है इसको हम लोग देखे करीब 15 साल पहले, इतनी खुशी हुई देख करके, कितनी कंदराओं में, जाहिर है कि सम्राट अशोक ने जब ये शिलालेख लिखवाया होगा तो पेड़ और पहाड़ों को पढ़ने के लिए नहीं लिखवाया होगा, किसको पढ़ने के लिए लिखवाया, जरूर यहाँ कोई ना कोई बस्ती रही होगी, इस तरह का कोई लोग के रहने का इरादा रहा होगा, इसके लिए वो शिलालेख लिखवाया था। और इस शिलालेख में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उन्होंने लिखवाई है, उन्होंने कहा है कि मैं राजा हूँ, तो ये धम्म का जो कार्य है ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, ये छोटे से लेकर बड़े लोग जो चाहे वो इस काम को, धम्म के कार्य को कर सकते हैं, बस अंतर यह है कि बड़े आदमी के लिए थोड़ा आसान काम होगा और छोटे आदमी के लिए थोड़ा कठिन काम होगा, लेकिन दोनों ये काम को कर सकते हैं, और ये बात प्रमाणित रहे, राजा और प्रजा मिलकर ही, हाँ, राजा और प्रजा मिलकर के, कमल में राजा हूँ तो कर सकता हूँ, तो प्रजा भी चाहे तो कर सकते, सबके लिए आसान काम है, सब कोई कर सकता है, यही बात प्रमाण के तौर पे इस शिलालेख में लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई आसपास का, कोई ग्रामीण जनता, कोई यहाँ पर कोई है आसपास का, एक आध किलोमीटर दूर के कोई गांव का? कोई नहीं है, अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट अशोक को सब पूरे विश्व में जिसे तीन ही महान हुए, सम्राट अशोक महान उसमें सब सर्वोपरि हैं, और हम सभी जानते हैं कि भारतीय मुद्रा में सम्राट अशोक का चिन्ह यूज किया जाता है, हमारे तिरंगा झंडा में सम्राट अशोक का चक्र यूज किया जाता है, और जो भारत का राजपत्रित जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज सम्राट अशोक का जो खुदवाया हुआ शिलालेख है इस खंडहर में है, और इसके लिए न बिहार सरकार और न भारत सरकार इसके लिए कुछ नहीं काम कर रहे हैं, और ये उदासीन है। तो हम चाहते हैं कि सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप भारतीय सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, इसको कैसे संरक्षित किया जाए जिसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका स्वरूप न बिगाड़ दिया जाए। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब,
आप ये बताएं कि क्या मांग आप रखते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार से? देखिए, किसी भी देश की जो संस्कृति है उसका गौरव होती है, और हर देश को अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों ये दुर्भाग्य ही हमारा कहा जाए कि जिन चीज़ों को यूनेस्को में जाना चाहिए था, भारत के जो हेरिटेज है उसमें जाना चाहिए था, लेकिन अब तक के सारे शिलालेख अपने दुर्दशा पे आंसू बहा रहे हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है। तो मैं यही चाहूँगा बिहार सरकार के माध्यम से भी और भारत के सरकार के माध्यम से भी कि सम्राट अशोक का यही नहीं, भारतवर्ष में और भी बहुत सारे शिलालेख पड़े हैं जो अनमोल मोती है इस समाज के लिए। जहाँ देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जहाँ बेबुनियाद बयानबाजी हो रही है, इन सारे सामाजिक माहौल से मुक्ति पाने का इस शिलालेखों में रास्ता है, और इन शिलालेखों को गहन अध्ययन होना चाहिए। शोध करके इसकी जो मेन सामग्री है, जो इसके भाव है, जो भावनाएं हैं, इस समाज में जाए तो समाज को और सरकार को भी एक दिशा मिल सकती है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, उन्होंने तथागत बुद्ध का प्रतिमा का देखने का इच्छा जाहिर किया, तो राष्ट्रपति हॉल में आपको पता होगा कि दरबार हॉल में तथागत बुद्ध का मूर्ति लगी हुई है, और राष्ट्रपति ट्रंप जो है उस मूर्ति को देखकर काफ़ी अभिभूत हुए, और 5 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद करके उन्होंने प्रार्थना किया। तो आपको नहीं लगता कि इस भारत भूमि पर भगवान बुद्ध की ये चूंकि ये भूमि है, लेकिन भारत की सरकार जब विदेशों में जाती है तो बुद्ध की बात करती है और अपने देश में आकर कुछ और बातें करने लगते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी आकर तथागत बुद्ध के चरणों में ही नमन अर्पित किए, तो आप भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से काम किया जाए जिससे कि जो दंगा हो रहा है, जो माहौल ख़राब हो रखा है, वो कैसे सुधरे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय में चीनी मना कर देते हैं, कहते हैं कि भाई चीनी न डालेगा हमारे चाय में। तो चीनी खराब नहीं है, सच यह है कि जो आदमी चीनी मना कर रहा है नहीं, वो चीनी के लायक नहीं है। तो चीनी के लायक नहीं होने की वजह से वो मना कर रहा है। तो उसी तरह भारतवर्ष में जो भगवान बुद्ध का जो सूत्र है, वो बहुत सारे लोग हैं जो इसको अनदेखी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बाहर में, चूंकि बाहर में अनुदान आना है, बाहर से विदेशी सेवाएं आनी है, तो भारत में जाकर, बाहर में जाकर बुद्ध का नाम नहीं लेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास नहीं जो हम विश्व मंच पर रख सकें। तो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक से ही भारत का गौरव बढ़ता है। इसलिए हम लोग झंडा जब फहराते हैं तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गाना गाते हैं और किसी का नहीं। तो सम्राट अशोक ही तो विश्व विजयी थे, और बार बार जो भारत को विश्व गुरु होने की बात जो कही जाती है, तो भगवान बुद्ध की वजह से और आपके बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो अगर पुनः हमको विश्व गुरु के गौरव गरिमा पे पहुंचना है तो पुनः उसी खोई संस्कृति को पुनः वापस लाना पड़ेगा। और मैं भारत सरकार से चाहता हूं कि अगर भारत में ऐसी औषधि है तो इस औषधि को गांव-गांव फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति जी जब जहाँ बैठते हैं उनके सर के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, ताकि कोई विदेशी भारतवर्ष में आए या कोई राजनयिक आए या कोई राष्ट्रपति आए तो ये संदेश लेकर जाए कि भगवान बुद्ध का देश है। और यही संदेश का असर है कि जनाब ट्रंप ने वो भगवान बुद्ध का जो चित्र देखा तो भावहीन होकर के एकदम श्रद्धांजलि के द्वारा सीधा एकदम अपनी आंखें बंद करके कर रहे थे, वो श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे, और शायद अंदर क्या सोच रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और आप लोगों से, नौजवानों से भी निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों को गांव-गांव तक फैलाने की कोशिश करें। भारत की है जिससे शान, यही विश्व शोक महान। भारत की है जिससे शान, यही विश्व शोक महान। भारत की है जिससे शान, यही विश्व शोक महान। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, अशोक स्तंभ और चक्र निशान। भारत को मत बर्बाद करो, वंशशील को याद करो। भारत को मत बर्बाद करो, वंशशील को याद करो। भारत को मत बर्बाद करो, वंशशील को याद करो। भारत वर्ष की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, भारत वर्ष की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सन 2009 में खपरियाल, खपड़ियाल,
ने इसका जो है खोज किया था लिखित रूप में और आधिकारिक रूप में जब से यह इतिहास में आया, लेकिन अभी भी यह जो है गूगल और वेबसाइट पर नहीं है। और इसके बाद जो है मान लीजिए कि यहाँ का पर जो है कार्यक्रम हो रहा है करीब करीब 2008 से, लेकिन इस साल जो है एक अलग तरह का कार्यक्रम है, एक अलग तरह का संदेश यहाँ से जो निकल रहा है वह यह संदेश पूरे भारत सरकार के साथ पास जाएगी, पुरातत्व विभाग के पास जाएगी, यहाँ तक से कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगी, जिससे इसकी सुरक्षा और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इसका सुरक्षा और संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ दिनों के बाद यह जो है ऐतिहासिक गौरवशाली जो है इतिहास जो यहाँ पढ़ा हुआ है लिखा हुआ है सम्राट अशोक महान के द्वारा वह जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर जितने लोग हैं आप सभी लोग अपने अपने स्तर से यह प्रयास करें कि इसका सुरक्षा और संरक्षण हो प्रशासन के द्वारा, बस इसके बाद और आगे जो है कार्यक्रम के दौरान। ठीक है सर, कुछ बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसके विषय में कुछ? यह जो है धम्म संदेश है जो है सम्राट अशोक का धम्म जो था वो मानव कल्याणकारी धम्म था और राष्ट्र कल्याणकारी धम्म था, और उसी के धम्म को लेकर के जो है यहाँ पर जो है ये शिलालेख लिखवाया गया। और एक भी लाइन इसकी एक भी अक्षर इसका डिस्टर्ब नहीं, जबकि अब तक इतने शिलालेख मिले हैं कहीं कहीं एक अक्षर डिस्टर्ब हो गई या कोई लाइन ही नहीं है आधा टूट गया है, लेकिन इसका ये पूरा का पूरा ये एक एक अक्षर सही है। सम्राट अशोक यात्रा पे निकले धम्म यात्रा तो 256वीं रात यहाँ रुके इसी गुफा में, 256वीं रात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और सारी जो कहानियां हम पढ़ते हैं वो काल्पनिक चीजें होती हैं, लेकिन ये सीधा हकीकत इतिहास है, इसके बीच में कोई लेखक नहीं है। अब ये जो लिखा हुआ है ये सीधा अशोक ने लिखवाया और सीधा हम पढ़ रहे हैं, बीच में कोई दूसरा नहीं है, कोई व्याख्या कर देगा उल्टा या उल्टा समझा देगा ऐसा कुछ नहीं है। और सबके बीच में कोई लेखक ने लिखा, लेखक ने समझाया, लेकिन अशोक ने सीधा लिखा और हम सीधा पढ़ रहे हैं, यानी हम सीधा जुड़ रहे हैं अशोक से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा हम समझ सकते हैं अशोक से। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, आज चाहे जैसी भी रही हो लेकिन 2000 साल पहले कभी न कभी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आज क्लिंटन ठहरिए आपके ट्रंप ठहरे थे होटल कैसा रहा होगा, तो उसी तरह जब पूरे दुनिया का राजा जब यहाँ ठहरा होगा तो ये जगह जगह कैसी रही होगी सोच लीजिए, जब क्लिंटन के लिए हाल है तो दुनिया के राजा के लिए कितनी बड़ी बात हो रही है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो ऐसी चीज नहीं रही है और जो है वो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। लोक दीपम संबुद्धम पूजयामि तमोनुदम धन सारप दीपेन दीपेन तमो धन सिना लोक दीपम संबुद्धम पूजयामि तमोनुदम। चलिए ठीक है, धनुषा रीपे नदीते नमो धनुषिना दीपम संबुद्धम पूजयामि तमोनुदम। संसारप्पदीपेन दीपेन तमो दंतिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदम्। संसारप्पदीपेन दीपेन तमो दंतिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदम्। Thank you.
देखने वाला कहां तक देख पाता है और इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन में जो हमारे साथियों ने जो कार्यक्रम करने में अपनी सहभागिता दी है, सम्मानित यहाँ के प्रबंधन जो देख रहे हैं, अमलेश सिंह जी जो ग्राम बसहा के निवासी हैं, आपका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र मौर्य जी, डॉक्टर श्याम बिहारी जी और लक्ष्मण जी और जिनके घर में हम लोग रुके हुए हैं, आज के हमारी ताजमहल ये है, आज के हमारी ताजमहल है। आया तो मैं लोगों ने बताया कि शिलालेख का संरक्षण देखभाल यही करते हैं, तो आते ही मैंने सबसे पहली बात बोला कि शिलालेख महोत्सव का देखभाल ये करते हैं, तो आज से हम सबकी ड्यूटी है कि इनकी देखभाल अब हम लोग करेंगे। बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच पूज्य भंते प्रज्ञादीप जी उपस्थित है, मैं आपका श्रद्धा से नमन करता हूँ। मनोज मौर्य जी, संजय मौर्य जी सोशल मीडिया प्रभारी और पंकज जी जो हमारे बिहार के सम्राट अशोक क्लब के सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, आप लोगों का बड़ा योगदान होता है सम्राट अशोक क्लब को ऊंचाइयों पर ले जाने में। ऐसे मीडिया के प्रभारी पंकज जी का अभिनंदन करता हूँ। और हाजीपुर से चल के आए हैं, बड़ी दूर से आके चल के आए हैं, तो आप अगर हाजीपुर से आए हैं तो हम लोग भी गाजीपुर से आए हैं। स्वागत है आपका सुरमित भारती जी और हमारे सम्राट अशोक क्लब के महाप्रबंधक जी, जिनके निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। और ये सम्राट अशोक क्लब के महाप्रबंधक जी इसी कैमूर की धरती से हैं, और परम सम्मानित आरपी मौर्य जी और हमारे पूर्व प्रबंधक सम्मानित सत्यनारायण मौर्य जी, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए। सुनील मौर्य जी और राम प्रभाव जी जो गाजीपुर से आए हैं जमानिया से, आपकी धरती पर स्वागत अभिनंदन है। और इस आज इस हमारे इस कार्यक्रम में इतनी हमारी बहनों का आना एक चमत्कार ही है, और मैं चाहता हूँ हमारी बहनों के लिए जोरदार ताली आप सभी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ तो शिलालेख मैंने कहा होला, शिलालेख में क्या लिखा है ये किसी को पता भी नहीं है। इस कार्यक्रम में आए निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और आज का जो कार्यक्रम है हमारे बीच में जो अच्छे लाल जी, अच्छे लाल जी आए थे महाबली कुशवाहा जी के सुपुत्र, वो आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर। और आज जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा लगी है, इसको देख के ये लग रहा है कि जो बसहा गांव है, बसहा तो बसहा गांव था इसका, लेकिन अब बसा नहीं है, ये उजड़ चुका है 2000 साल पहले। अब उस बसहा गांव के फिर से बसने की तैयारी हो रही है, अब बसहा गांव फिर से बसेगा। अब बसहा गांव को भी पता नहीं है कि अब ये क्या होने वाला है, ये गांव बहुत कुछ होने वाला है। और देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे, और हम लोग खुद लेके आएंगे इस धरती पर, और लोग आएंगे पढ़ने के लिए शिलालेख कहाँ है। और आपके बगल में जो माता मुंडेश्वरी का जो मंदिर है, वो मुंडेश्वरी का मंदिर नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्षेत्र ही पूरा सम्राट अशोक ने 84,000 जो बुद्ध विहार बनवाए थे उसमें 60,000 सिर्फ बिहार में थे, 60,000
84,000 में 60,000 सिर्फ बिहार में थे, और उसी बिहारों की जाति की वजह से ही इस प्रांत का नाम बिहार पड़ा है। इस प्रांत का नाम बिहार ही बिहारों की वजह से है। आज जब बिहार में बिहार ही नहीं है तो हम बिहारी किस बात के? जब बिहार में बिहार ही नहीं तो बिहारी किस काम के? हम बिहारी बनेंगे तब जब फिर 84,000 बुद्ध बिहार बन जाएगा, तब उसी की शुरुआत है। हम लोग बिहारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह देश जो विश्व गुरु हुआ है, भले हम भारतवर्ष को विश्व गुरु कह लेते हैं अलग बात है, लेकिन पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में इसी बिहार की पावन धरती नालंदा, क्योंकि गुरु बनने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना तो जरूरी है ही है, पढ़ाना जरूरी है। तो हमने दुनिया को पढ़ाया, तब विश्व गुरु हुए, तब हम बुद्ध हुए, और जहाँ बुद्ध ज्ञान पाए आज वहीं के लोगों को लोग बुद्ध कहते हैं। बुद्ध क्यों कहते हैं? जो ज्ञान की प्राकाष्ठा है वो बुद्ध है, और निश्चित रूप से हम लोगों ने बुद्ध को भुला दिया, इसलिए आज हमारी ये दुर्दशा है। आज का जो कार्यक्रम है वह मानववादी लोक कल्याणकारी संस्कृति के पुनर्वापसी का ये संदेश है आज का कार्यक्रम, और आने वाले समय में यहाँ से बहुत बड़ी ज्योति निकलने वाली है। और साथियों, सूर्योदय हो जाने से ही सुबह नहीं हो जाता है। अगर किसी को लगता है कि सूर्योदय होने से सुबह हो जाती है तो ये भ्रम हमारा है। सूर्योदय होने के बाद सुबह होने के लिए आपका आँख का खुला होना भी जरूरी है। अगर आपकी आँख खुली नहीं है तो सूर्य उदय भी रहेगा, तभी आपको अंधेरा ही लगेगा। सूर्य उदय नहीं हो गया है, आँख आपकी बंद है, तब भी आपको अंधेरा ही लगेगा। तो सूर्य उदय होने के साथ साथ आपकी आँख खुली है, और निश्चित रूप से आँख न खुली होती तो शायद शिलालेख दिखाई न देता। शिलालेख दिखाई इसलिए दे रहा क्योंकि आँख खुली है। आज से 15 साल पहले, आज तो हम लोग इधर से ऊपर चढ़े हैं, 15 साल पहले पहाड़ी के उधर से हम लोग आए थे, यानी घुरहुपुर से घुसे थे, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं था कि ये शिलालेख है कहाँ, तो घुरहुपुर के पहाड़ी से ही घुस गए हम लोग, और पहाड़ी से पहाड़ी, पहाड़ी से पहाड़ी, पहाड़ी से पहाड़ी, सोचिए शाम हो गया, यानी 10 बजे हम लोग चढ़ना शुरू किए थे, उतरना शुरू किए, चढ़ना शुरू किए, तो शाम को हम लोग पहुँचे यहाँ, आज पहुँचे थे शाम को। और हम और सत्यनारायण हमारे मौर्य जी जो हमारे प्रबंधक हैं, दो लोग, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा वो टंकी टाइप का था, उसमें घुस करके अंदर से निकलना था। फिर हम लोग अपना पैंट शर्ट सब उतार दिए, गंजी और जांघिया पर, अंदर जहाँ जब गुफा दिखाई दे रही थी उसमें हम लोग ऐसे 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 चलते अंदर धीरे धीरे घुसे, और इतना पतला जगह उसमें था कि शायद सांप निकल जाए सामने तो मुड़ नहीं सकते थे, मुड़ नहीं सकते थे, उसको उस बात जाके ही मुंह घुमा सकते थे। वो शिलालेख हम लोग आज से 15 साल पहले देखे थे, और आज मुझे खुशी है कि आज बसा गांव के लोग और इस क्षेत्र की जनता जो शिलालेखों को खोजा है, आज उस शिलालेखों की जो दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इसी शिलालेख के नाम से बसहा गांव का उल्लेख होगा पूरे देश में, शिलालेख से उल्लेख शुरू होगा हमारा यहाँ। इसीलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए यहाँ से जो भगवान बुद्ध का जो संदेश है पूरी दुनिया में फैलेगा, और आज मुझे उम्मीद है ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अब यहाँ कुछ करने का है और कुछ करने के बाद ही बोला जाएगा। अब भगवान बुद्ध के संदेशों को जानिए, और मैं इतना जरूर कहूँगा एक लाइन में, एक होमवर्क दे देता हूँ कि आप अपने घर में उन लोगों का चित्र लगाइए जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा, चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। हम अपने घर में जैसा चित्र लगाएंगे हमारी मनोवृत्ति वैसी ही होगी। और आप सभी लोग चित्र का महत्व समझते हैं, अगर नहीं समझते तो जिस औरत को या हमारी बहनों को अगर बच्चा होने वाला होता है, औरत प्रेगनेंसी में होती है, तो जिस कमरे में वो सोती है उस कमरे में हम कैसी तस्वीरें लगाते हैं, जिस कमरे में वो सोती है उस कमरे में हम कैसी तस्वीरें लगाते हैं, जैसा बच्चा हम चाहते हैं, अच्छा हेल्दी मुस्कुराता हंसता खिलखिलाता बच्चे की तस्वीर लगाते हैं, किसी को देखेगी तो ऐसा ही बच्चा होगा।
इसका मतलब हमको चित्र का प्रभाव के बारे में पता है, लेकिन गलती कहाँ करते हैं? गलती कर देते हैं कि एक सुंदर बच्चे की तस्वीर लगाए हैं और उसके बगल में दुर्गा जी का काली जी का तस्वीर लगाती हैं, इतना बड़ा पूरा एकदम डरावना, तो ये खतरनाक तस्वीर भी वो देख रही है और सुंदर तस्वीर देख रही है। आज संजोग से आपकी बेटी उस हंसते खिलाते बच्चे की तरह ना होकर के अगर काली बाई की तरह हो गई तब क्या होगा, या दुर्गा माई की तरह चार गोपाह वाली पैदा हो गई तो क्या करेंगे? लड्डू बांटेंगे नहीं बांटेंगे? मसूम हल्ले में नहीं बांटेंगे। इसका मतलब जिसकी आप पूजा करती है वैसा आत्म संतान की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो लोग भी आपको पसंद नहीं है। तो जब पसंद नहीं है तो ऐसी तस्वीर लगाइए जो आपको पसंद है। अब किसी का बेटा हनुमान जी की तरह होगा तो कैसा लगेगा? खुश वाला, आपको तो खुश होना चाहिए कि हनुमान जी का सीधा साक्षात अवतार हो गया घर में, तो खुश क्यों नहीं होगा? खुश वाला हो जाएगा तो अपना हिला हिला के चलेगा, लंका फूकेगा अपना, क्या दिक्कत है? इसका मतलब हनुमान जी आपको पसंद नहीं है। तो जब नहीं है तो ऐसी तस्वीर अपने घरों में क्यों लगाते हैं? अब हमारे घर में भगवान बुद्ध का फोटो लगा है, हमारी बीवी रोज उसे देखती है, अशोक का फोटो लगा है उसे रोज देखती है। अगर मेरा बेटा मेरे देवता की तरह हो जाए तो मुझे खुशी होगी, लेकिन आपका बेटा आपके देवता की तरह हो तो खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब घर में तस्वीरें वही लगाइए जैसा हम बनना चाहते हैं या जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। ये साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है कि जैसा हम बनना चाहते हैं अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखो, ताकि रोज देखेंगे तो ऐसा ही हम बन जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपने घर जाइएगा तो एक बार सम्राट अशोक का, भगवान बुद्ध का, बाबू जगदेव प्रसाद जी का, बाबा साहब का, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, जिन्होंने हमें कुछ दिया है, जो हमको दिया है वही हमारा देवता है, और जो पाकिट का पैसा ले लिया है वो तो लेवता हमारा है, वो तो लेवता है, जो था वो भी ले लिया। तो जिसको हम लेवता समझते हैं वो लेवता है, वो देवता नहीं है। देवता कौन है? जो हमको जन्म दिया है, जिसने हमको जन्म दिया है। सारी दुनिया होती लेकिन अगर वो दो लोग ना होते तो सब होता, लेकिन मैं दुनिया में नहीं होता। सब लोग होते दुनिया में लेकिन दो लोग यानी हमारे माता और पिता अगर ना होते तो सारे देवता रहते, सारे सब कुछ रहते, लेकिन मैं दुनिया में नहीं होता। तो जन्म किसने दिया? माँ बाप ने दिया। पाल पोस के बड़ा किसने किया? माँ बाप ने किया। मरने के बाद पूरी संपत्ति कौन लेगा? हम लेंगे। तो जो लोग पैदा होने से पहले से लेकर के और मरने के बाद तक केवल देता ही देता है वही हमारा देवता है, वही हमारा देवता है, वही हमारा देवता है। और जो इन देवताओं से अलग हटकर किसी दूसरे देवता के चक्कर में फंसेगा तो पाकिट का माल उसके पाकिट में रहने वाला नहीं है, वो तुरंत चला जाएगा उसके घर जिसका वो देवता है, जिसका वो देवता है। तो हमारे पॉकेट का पैसा निकाल कर जिसके पॉकेट में पहुंचाया वो देवता है, लेकिन हमारा नहीं। हमारा पैसा जिसके घर पहुंचा दिया उसका देवता है। तो आप लोग, मेरा यही मानना है कि आप लोग जहाँ रहते हैं, बच्चों को भी कहता हूँ, अब मैं जब पढ़ता था तो मैं कमरे में लिखा हुआ था, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत छाप कर लिखता हूँ, अंग्रेजी भी और हिंदी भी टाइप कर दूंगा, तो मैं सब टाइप लिखता हूँ, अपनी प्रशंसा मैं खुद ही कर रहा हूँ, खूब सुंदर लिखता हूँ। लेकिन क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मैं जिस कमरे में पढ़ता था हॉस्टल में, उसमें बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा था कि खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है, खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसका मतलब कि जिसकी लिखावट खराब है उसकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई है, इसलिए मेरा राइटिंग अच्छा है। और मेरा राइटिंग इसलिए अच्छा है कि मेरे पिताजी हमसे भी अच्छा लिखते थे, सुंदर लेटर लिखते थे, प्रिय पुत्र आशीर्वाद एकदम टाइप करते थे। और संजोग की बात है कि मेरा बेटा भी ऐसे ही सुंदर लिखता है। ये तात्पर्य होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपने को कैसा बना सके ये है। और ये सब कुछ माता सावित्री बाई फुले ना होती तो शायद हम लोग भी यहाँ खड़ा होकर बोल नहीं रहे होते। तो इसीलिए अपने घरों में उनके चित्रों को लगाइए जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दिया है, जिन्होंने हमको अच्छा बनाने में तैयार किया है। अब सोचिए
जिसने हमारे लिए पीने के लिए बर्तन बनाया। अगर बर्तन ना होता, भांड ना होता, चुक्कड़ ना होता, गगरा ना होता, गगरी ना होती, तो हम पानी कहाँ रखते। इसका मतलब जिसने बर्तन बनाया वो हमारे लिए बहुत महान आदमी है। जिसने हमारे जूते बनाए, अगर जूता ना बनाता तो हम पैदल चल रहे होते, कांट कांट कुछ कर रहा होता, लेकिन जिसने जूता बनाया उसको हमने अछूत कह दिया। जिसने कपड़ा बनाया वो अछूत हो गया, और जिसने बर्तन बनाया अछूत हो गया, जिसने चारपाई बनाया अछूत हो गया। आज ये सब कुछ फोकट में पता रहा, धर्मात्मा हो गया। ये सब कुछ जो फोकट में पता रहा धर्मात्मा हो गया, धर्मगुरु हो गया। इसलिए जिन लोगों ने देश को गढ़ा है, जिन्होंने इस देश को संवारा है, जिन्होंने देश को बनाया है, और हमको भी बनाया, आपको बनाया, सबको संवारा है, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। जो शौचालय साफ करता है वो अछूत हो गया, और जो गंदा करता हो बढ़िया हो गया। हाँ, जिस देश में गंदा करने वाले अपमानित होंगे, सम्मानित होंगे, और गंदा करने वाला अपमानित होगा, वो देश में कदम स्वच्छता अभियान चला लीजिए, वो देश साफ होने वाला नहीं। देश साफ होगा तब जब सम्मान होगा सफाई करने वाले का। गंदा करने वाले का 200 करोड़ रुपया दे देते हैं, वो खाली कहता है, वो मतलब सफाई के ब्रांड, सफाई अभियान के ब्रांड वो लोग हैं जिनका बेडशीट भी नौकर बदलता है, जिनका बेडशीट भी नौकर चेंज करता है, अपने से बेडशीट भी नहीं उठाते, वो सफाई के ब्रांड है। और जो गली को घूम घूम साफ करता है उसको कोई जानता भी नहीं है। तो सफाई बढ़ेगी तब जब सफाई कर्मियों का सम्मान होगा। लेकिन होता क्या है, जो गंदगी करते हैं वो पूजनीय हो गए, और जो गंदगी करते थे वो अपमानित हो गए, उनको सम्मान कर लिया हमने। तो हमेशा ध्यान रहे कि सफाई जो करेगा सम्मान उसका होगा, तो देश ऑटोमेटिक साफ होता चला जाएगा। मेरा चलता ना तो हर जिले में मैं कह देता, जैसा भभुआ है, जितने वार्ड है, जिसका वार्ड सबसे ज़्यादा चमचमाएगा उस वार्ड के सफाई करने को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। जो गांव सबसे चमचमाता रहेगा उस गांव के सफाई कर्मियों को भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन भारत रत्न सफाई कर्मी नहीं हो सकता, भारत रत्न होने के लिए नेता होना जरूरी है, झूठ बोलना जरूरी है। जो एक्चुअल में भारत रत्न के हकदार हैं उनको आज तक पता भी नहीं है कि भारत रत्न भी कोई पुरस्कार होता है। इसीलिए उस अंतिम व्यक्ति तक देश सबका है। भारत रत्न होने के लिए किसी पार्टी का नेता होना, मंत्री होना, किसी का चमचा होना, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति का, भारत के अंतिम व्यक्ति तक का जब सम्मान, जिस चीज़ को हम बढ़ावा देना चाहते हैं उसी का सम्मान करेंगे। जैसे हुआ क्या, पहले गांव गांव अखाड़ा होता था, गांव गांव अखाड़े होते थे, क्यों, क्योंकि पहले बल को सम्मान मिलता था। गांव में शोर होता था, फलाना लड़का पहलवान है, तो लोग अपने बेटे को क्या बनाते थे, पहलवान बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि बल को सम्मान मिलता था, तो गाँव गाँव अखाड़ा होता था। अब आज के पहलवान उसको लोग बेवकूफ समझते हैं। आज जो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा है, उसको लोग सम्मान करते हैं। तो अखाड़े चले गए और स्कूल खुल गए, अखाड़े गए स्कूल खुल गए। उसी तरह से आज एक मंच पर कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, एक आदमी PhD किया है वो नीचे बैठा रहेगा, लेकिन एक क्षेत्र का आदमी करोड़पति है वो कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रहता है, और PhD के आदमी जमीन पर रहता है। इसका मतलब कि पैसे का सम्मान बढ़ गया और ज्ञान का सम्मान घट गया। तो आदमी पैसा कमाने के लिए चोरी, बदमाशी, डकैती कुछ भी करता है, क्योंकि जानता है कि मैं पैसा वाला हो जाऊँगा तो सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिसको आपको बढ़ावा देना है उसको सम्मान देना शुरू करेंगे, वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ज्ञान को बढ़ावा देना है तो ज्ञान को सम्मानित करना शुरू कीजिए। स्वच्छता को सम्मान देना है तो सफाई कर्मियों को शुरू कर दीजिए, गंदगी गंदगी करने वालों को नहीं। जिसको सम्मान देना है, जिसको बढ़ावा देना है, उसको प्रतिष्ठित करिए, वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ना कहते हुए इन सारी बातों को हमारे बीच आप लोग आए, और ये महोत्सव दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े इसी कामना के साथ, और शिलालेख महोत्सव अपनी ऊंचाइयों को छुए, और अगली बार जब हम लोग आएंगे तो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर बड़ी तैयारी के साथ, क्योंकि अभी सम्राट अशोक क्लब का जो कार्यक्रम जिस तरीके से होता है, जिस प्रोटोकॉल में होता है, उस तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगली बार जब होगा तो उस तरीके से किया जाएगा जैसे कार्यक्रम किया जाता है, और तब जाकर इस देश में संदेश फैलेगा। और तो आप लोग जो भी इस कार्यक्रम में आए, जो हमारे संगीत मंडली है, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अवधेश जी ने गीत गाया शानदार गीत, और जो भाई जो गीतकार हैं, क्या नाम सुनना, सोनू लाल यादव जी बहुत शानदार गीतकार थे, आपकी लचक जो गजब थी, क्योंकि
हम लोग भी, कहा जाता है ना कि सागर की लहरों में कितना दम है उसकी तरन्नुम से पहचान लेते हैं, और एक कलाकार में कितना दम है उसकी एक ही तरन्नुम से पहचान लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका गीत, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आगे जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, अपनी बहनों का सम्मान करता हूँ, और आगे भी आप लोग इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर आइएगा ज्यादा से ज्यादा, और जो लोग आयोजन किए इस कार्यक्रम में, सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, और पूज्य भंते जी जो शिलालेख महोत्सव के साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करने में आपने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, आपका भी सहयोग से अभिनंदन और नमन करता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री जय भारत।